वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वैसे ये मामा के घर के सामने आ गए, फिलहाल जा रहे हैं कॉलेज। आज लेट हो चुका है, पहला क्लास आधा मिस हो जाएगा जाते जाते, क्योंकि यहाँ से तो 2 घंटा लगता है जाने में। पीछे सूरज मामा तो ऊपर जा रहे हुए, गर्मी अभी से लग रहा है। क्लास जाते जाते आधा क्लास छूटेगा तो आधा क्लास कर पाएंगे, उसके बाद एक इवेंट है वो दिखा देंगे। सुबह सुबह बारिश हुआ, उठे तो जोर से बारिश हो रहा है, रास्ता भीग रहा था। अपना बाइक तो आ गया है, बस लाइसेंस बनवाना है। लाइसेंस बन जाए तो बाइक लेके चला सकते। पापा का भी लाइसेंस बनाना होगा। देखो क्या हालत है रास्ता में, पानी पानी। सुबह 6:30 बजे निकलना था, निकले 7:30, 7:50। 9 बजे से क्लास था, पहुँचेंगे 10 बजे, 1 घंटा लेट। कॉलेज तो आ गए, देखो हालत क्या है, पानी ही पानी। इतना दिन से गर्मी से परेशान थे, आप पानी से परेशान होंगे। ये हम लोग का बास्केटबॉल कोर्ट है। क्लास तो 9 बजे से चालू हो गया था, अभी बज रहा है 10। सर बोलेंगे अभी क्यों आया है। वैसे सर अच्छे हैं, वैसे डांटते नहीं है। पानी जम रखा है, पूरा पानी पानी रखा। आज एक इवेंट भी है तो 10:30 से शायद अटेंड करेंगे। सर बोले हैं अटेंड करके जाना, अटेंड करके घर भी नहीं जा सकते, उसके बाद क्लास है। जानते 10:30 बजे स्टार्ट होने का बात था, देखो अभी तक सब कनेक्ट ही करा, और एक तो लैपटॉप कनेक्ट हो ही नहीं रहा है, और ये भाई ट्राइपॉड लेके रेडी है शूट करने के लिए, लेकिन जो आने वाला था वो है आया ही नहीं है अभी तक। 10:30 से 11:30 बज गया, वैसे फ्रंट रूम में आके बैठ गया, पीछे जगह ही नहीं था, देखो भरा पड़ा है पूरा। फ्रेंड सर आ गए, बैग हटा लेते हैं भाई, बोल रहे कितना देरी लग गया सर को आने में। स्टार्ट करने का टाइम आ गया, कनेक्ट हुआ है कि नहीं पता नहीं, लैपटॉप कनेक्ट शायद हुआ ही नहीं है। famous members of the C++ standard committee. She is a great person and she did really great things. And she's not bold. It's not necessary. So okay. But anyway, this is important. 1 hour later. देखो बादल लगा रखा है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, आते समय बारिश हो रहा था। वैसे इवेंट ख़त्म, कॉलेज तो उधर, टाटा बाय बाय कॉलेज। आज जल्दी निकल गए, सर लोग को बोल दिए कि आज सर सेमिनार करने का, बहुत लोग स्टूडेंट वापस चला गया, तो सर बोले ठीक है आज का क्लास कैंसिल करते हैं, अगला सप्ताह फिर क्लास होगा। तो फिलहाल घर, आज जल्दी घर पहुँच जाएंगे, सही है ना। हवा तो बह रहा है लेकिन गर्मी लग रहा है। काम चल रहा है ऊपर, देखो कौन आया, कौन आया, राजा कहाँ जा रहा है, जिम, हम घर जा रहा है। आते आते 3:40 हो गया, फिर भी आज जल्दी आ गए। अच्छा वैसे राजा भी मिल गया था, वो जा रहा है जिम। गुड आफ्टरनून गाइस, आफ्टरनून आफ्टरनून नहीं इवनिंग हो चुका है, 4:15 हो रहा है। तो फिलहाल जा रहे हैं मामू के घर, और पापा भी आ ही रहे होंगे। तो पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, बाइक खाली पड़ा हुआ, खाली नहीं तो बाइक लिए थे उस समय जो 1 लीटर दिया था वही था, और लास्ट दिन जब चला के तो थोड़ा ही सा बचा हुआ था, तो मुझे भराना होगा। और पापा भी साथ आएंगे तो पापा भी आज चला लेंगे बाइक, आज से स्टार्ट कर देंगे पापा को चलाने। पापा के लिए मैंने लिया गया तो पापा चलाएंगे, पापा का हाथ एक बार बैठ जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर देंगे। वैसे हम भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, हमको भी ज़रूरत है। हम बाइक निकाल रहे हैं, आगे आगे तेल भराएंगे अब जाके, फाइनली तेल भरा रहे हैं। तेल भर जाए फिर चलेंगे दानेशक लेन, वहाँ पे बहुत बड़ा जगह है, रास्ता 100 फुट के अंदर ना, जहाँ 42 का बस स्टैंड है वहाँ पे बहुत लंबा रास्ता, तो वहाँ चला सकते। वैसे ये बी गार्डन,
ये देखो ये अच्छा जगह है, पूरा खाली, ये डीवीसी के अंदर है सब, उधर क्वार्टर सब भी है, वो देखो ये पूरा खाली रास्ता रहता है। पापा कितना साल बाद बाइक चला रहे हैं, तो हाथ नहीं बैठा हुआ है पापा का, तो आस्ते आस्ते हो जाएगा। वैसे ये एरिया बहुत अच्छा है, हवा बहते रहता है। हम बहुत चला लिए, यहाँ से वहाँ गए, फिर वहाँ से फिर इधर आ गए। उधर तो मेन रोड है, तो मेन रोड से इधर आ गए थे। अभी फ़िलहाल पापा चला रहे हैं, देखो बस हाथ बैठ जाए पापा का तो हो जाएगा। वैसे ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, बोर्ड तो ऊपर तो निकल गया है, दिखेगा नहीं, ये गैरेज टाइप है। और ये रास्ता आगे जाके कहाँ निकलता है, ये तो दानेक सकलेन, दानेक सकलेन से थोड़ा सा आगे जाके ये रास्ता निकलेगा। आंटी जी क्या टोटल चलाना सीख रही है, यहाँ सबको बाइक स्कूटी सब यही सीखने आते हैं, क्योंकि ये पूरा लंबा रास्ता खाली रहता है ना। पापा आ गए, हो रहे पापा, दस पंद्रह साल से तो ऊपर हुआ होगा पापा चला रहे हैं। आ गए वैसे हम लोग का नंबर प्लेट अभी तक नहीं है, गियर में लगा हुआ है, तब पापा को अभी थोड़ा बहुत तो डर लगेगा ही ना, तो कोई बात नहीं। हाँ आप स्टार्ट करें, हो जाएगा आस्ते आस्ते हो जाएगा। वैसे गाना उस तरफ चल रहा है, सब बीच बीच में काटना पड़ेगा नहीं तो कॉपीराइट आएगा। ये आंटी टोटो चलाना सीख रही है, पता नहीं क्यों, जो भी है उनका मर्जी वो चलाए। वो आ गए पापा, फिर आस्ते आस्ते फैमिली सब भी वॉकिंग के लिए आते हैं, वो एक फैमिली तो वो गए। तो सब पूरा रास्ता अंदर से घूम के सब आते जाते रहते हैं। क्या हुआ, मामू उतर गए, अच्छा पापा घुमा रहे, पापा अकेले चले गए, मामू यहीं है, पापा उधर से आए, आस्ते आस्ते यहाँ से चले गए, मामू यहीं रुक गए। अब पापा वहाँ से अकेले आएंगे, पापा कहाँ गए अभी तक नहीं आ रहे, कहाँ रह गए। अच्छा वो रहे वो वहाँ पे, दिख रहा है नहीं दिख रहा ना, वहाँ पे देखो पपी को, पपी नहीं है बड़ा कुत्ता है, लेकिन घुमाने लाया तो भाई चलाओ उसको, बाइक पे लेके घुमा रहा है। हवा बहुत अच्छा बह रहा है यहाँ पे, आ गए पापा, अकेले आ गए। वहाँ पे एक लड़की स्कूटी भी सीख रही है, वो वाली लड़की चली गई उधर, वो स्कूटी सीख रही है, ये ठीक है ना। यहाँ पूजा है, सजा रखा है यहाँ पे पूजा है। यहाँ पे भी फंक्शन है, रात को होगा। आज के लिए हो गया, आप कल चलेंगे। यहाँ पे भी ठीक लगता है, हवा बहता रहता, खुला जगह ना इसलिए, हम लोग का अभी उधर तो खुला जगह है, गार्डन छोटा सा है। मामू तो गए, बाइक भी रख दिया, वापस घर चलते हैं। 6:15 हो चुका है, अजान हो रहा है, घर जाएंगे, पहले मुँह हाथ धो के पानी पियेंगे, प्यास लगा हुआ है। 2-3 दिन में तो पापा का भी हो जाएगा, ये मंदिर है। बादल देखो, बारिश लगा रखा है, 2-3 दिन और चलाएंगे तो पापा तो हो जाएगा। आज तो अकेले भी चला लिए, तो 2-3 दिन में हाथ बैठ जाएंगे। इन लोगों का भी घर बन रहा है ऊपर,
उन लोगों का तो बन चुका है, भाई का लोग का, हम लोग का भी बनेगा। पहले तो उस तरफ ढलाई होगा, उसके बाद ऊपर बनेगा। उस तरफ वाला तो ढलाई नहीं हुआ है। Later that same evening, रात के 9 बज रहे हैं और जा रहे हैं पूजा में, बुलाया है तो वहीं जा रहे हैं। वैसे जहाँ पर पूजा है वो भाई का स्कूलमेट है, मतलब स्कूल में एक साथ पढ़ता था भाई और वो उसका दोस्त है, तो उन लोगों ने ही बुलाया है। वहीं पे जा रहे हैं पूजा में, जा रहे हैं तो प्रसाद भी चाहिए, वही पापा मिठाई लेके आएंगे चढ़ाने के लिए, चलते हैं। अब भाई को देखो अकेले आगे भागे जा रहे हैं। रात के 9:30 बज रहा और भीड़ देखो रास्ता में, ये मेरा स्कूल, प्यारा सा स्कूल। हम लोग तो पहुंच गए, पूजा हो रहा है, पापा के लिए इंतजार कर रहे हैं, पापा आएंगे तो चलेंगे। अब भाई हो रहा है, बहुत भीड़ है, कितना सारा प्रसाद चाहता हम लोग को, पूरे में भी ऐसे बहुत सारा प्रसाद हो जाता है। भीड़ बढ़ते ही जा रहा है, रात जैसे जैसे सब भीड़ बढ़े भाई, सब लेट से आते हैं। खाना हो गया, वापस चलते हैं, आइसक्रीम मिल गया, आइसक्रीम तक और आइसक्रीम। आते समय पूरा रास्ता सूखा हुआ था, अभी देखो पूरा बारिश से गीला गीला हो चुका है। हाँ, हमको आइसक्रीम मिल चुका है, मेरा आइसक्रीम भी गल चुका है। राइमिंग बना रहे हैं ना, खड़ा होके। हाँ तो घर चलते हैं, अब तो ये रास्ता हाईवे बन चुका है, सिर्फ ट्रक दिखेगा अभी से, सिर्फ ट्रक और ट्रक। वैसे हल्का हल्का बारिश हो रहा है, थोड़ा देर पहले तो इतना ज़ोर से बारिश हो रहा था। हम लोग का खाना हो गया था फिर भी बैठे हुए थे, क्योंकि बारिश ज़ोर से हो रहा था तो कैसे निकलते, छाता तो लाए नहीं थे। फिलहाल चलते हैं वापस, ये मेरा स्कूल, आते समय भी दिखा दिए, जाते समय भी दिखा दे रहे हैं स्कूल। उधर देखो क्या कचरा हो रखा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन रास्ता पूरा पानी भरा पड़ा है। वो देखो वहाँ पानी, तैर लेंगे इतना पानी में तो हम, वैसे हमको तैरना नहीं आता, ठीक है, सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया कि तैर लेंगे इसमें। जगह जगह तालाब बन चुका है, तालाब की कमी नहीं है। और इन भाई साहब को तो जल्दी जाना था, पानी उड़ाते हुए गया है। ऊपर बादल गरज रहा है, जल्दी घर नहीं गए। वो देखो दिखा, वो बिजली करके दिखा, क्या हो गया, रास्ता टूट गया? नहीं, रास्ता टूटा नहीं है, पानी जम चुका है, आप तैरते हुए जाओ, क्योंकि ये जूता खोलना पड़ेगा हमको। हालत देखो रास्ता का, ओह सब रुका है रास्ता पार करने के लिए, टैक्सी जा नहीं रहा है आगे, क्योंकि उधर भी एक कार है, तो चलेंगे कैसे। हालत देखो क्या हालत है, उन लोगों को देखो हिलते हिलते हुए आ रहा है। कितना मुश्किल से आधा घंटा बारिश हुआ होगा, क्या हालत है, यहीं ये हालत है तो हम लोग के वहाँ तो और पानी जम गया होगा। और जाओ जाओ जाओ, आप लोगों का दिन है, जाओ, हम तो इसमें, अब हमको सच में इसमें तैरना पड़ेगा, मजाक नहीं, ये जूता भीग गया तो दिक्कत हो जाएगा, सूखने का नाम नहीं लेगा, कॉलेज भी जाना है,
और कल तो हमको बाहर भी जाना है। जूता खोलते हैं, कुछ करना नहीं है, जूता खोलते हैं क्योंकि 11 बज चुका है, घर जाना है। पापा लिफ्ट ले रहे हैं, लेना दो। चलिए चलिए, पापा तो बाइक पे बैठे, भाई भी बाइक पे गया और हम तो ये देखो कैसे जा रहे हैं। जूता खोल गए, हाथ में पैर का हालत देखो क्या हो रखा है। भाई पानी मत पड़ाना, चलो पार हो गए, पार हो गए। चलो जूता तो गंदा हो गया पूरा। ये मायापुर जैसा हालत हो गया, वहाँ पे भी जूता लेके चल रहे थे रास्ता भर। खाली पैर चले, इतना दूर मंदिर से चलते हुए खाली पैर आए थे घाट तक। गाना बजा के जा रहा है और ये बिरयानी दुकान बहुत चलता है। आस्ते आस्ते वो अंकल गिरने वाले थे पानी में। हाँ बारिश होने के बाद तो स्लिप भी हो जाता है ना, इधर तो पानी नहीं है, हम लोग का गली में पानी होगा। बिजली कड़क रहा है बहुत ज़ोर से, बारिश और एक बार होगा ज़ोर से। बारिश होने के बाद रास्ता और गंदा लगने लगता है, अगर साफ हो जाए तो ठीक है, पानी आए बह के निकल जाए तो साफ हो जाता है, पानी अगर रुक जाए और गंदा हो जाता है। बेचारा पपी को देखो, पपी दिख रहा है वो वहाँ पे, इसका भाई लोग कहाँ गए? और एक ऊपर चढ़ा हुआ है, वो एक उधर है, एक अब दिख रहा है ना, ये देखो उसका भाई तो ऊपर चढ़ा हुआ है नीचे। अरे नीचे मत आ, नीचे मत आ, पानी है, किधर गया? जा भाई ऊपर चला जा, ऊपर जा, ऊपर जा, ऊपर जा, अरे नीचे ठंडा लग जाएगा, ऊपर चला जा, अरे तू भी ऊपर जा, जा जा जा, टाटा। बारिश के बाद पेड़ सब देखने में अच्छा लगता है, पानी पानी टपकते रहता है। ये देखो मेरे इधर क्या हालत है, पानी ही पानी, यहाँ तक पानी जम चुका है। भाई तब से खड़ा है यहाँ पे, ये देखो पानी यहाँ से जो चालू हुआ है वो वहाँ तक है। बिजली कड़क रहा है और तो आ गए, समुद्र में जा रहे हैं। टाटा बाय बाय गाइस, फिर कभी नहीं मिलेंगे। समुद्र में जा रहे हैं, क्या हालत हो रखा है देखो। भाई और पापा आस्ते आस्ते, हाँ भाई और पापा तो जूता पहने हुए थे, वो सोनटू दा है पास में ही रहता है, तो अब यार ऐसे तो आराम से उतर जाओ भाई। मम्मी कहाँ है? मम्मी आ रही है क्या? भाई लेट लाइट जल रहा है, ओ सनी भी आ रहा है, आ जाओ आ जाओ। वो जो भाई लेट लाइट जल रहा है ना वो सनी का है, आइसक्रीम करी, आइसक्रीम नहीं कुल्फी है, आने दो उसको, तब तक मम्मी गेट खोलेगी। यहाँ तो पानी थोड़ा कम है, ये ऊंचा जगह है ना, उधर थोड़ा नीचे फिर इधर नीचे, तो ये ऊंचा जगह है, यहाँ कर है। ओह कितना बिजली करकेगा भाई, सनी सोच रहा है आए नहीं आए, आए नहीं आए। गए पापा मम्मी अंदर गए, अब हमको भी चलना चाहिए। क्या हुआ? चला जाएगा। अरे सनी हाँ नहीं दिख रहा है तो ओ रहा सनी नहीं दिखा, नहीं दिखा, फ्लैश लाइट भी जलाएगा तब भी उतना दूर नहीं जाएगा। हेलो भाई चलो, क्या हालत हो गया है घर का, जूता बज गया।